So today we will learn magnification. Yes. So magnification and its types. ध्यान से सुनो. Magnification तो मैग्निफिकेशन में हाउ मेनी टाइप्स आर देयर. There are three types. Okay. So linear magnification, aerial magnification, and volume magnification. Okay. So first one, linear, aerial, and volume. पहला जो है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन, दूसरा जो है वो है एरियल, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम मैग्निफिकेशन. ठीक है, कितने टाइप्स है? तीन. पहला लीनियर. लीनियर मतलब जब ऑब्जेक्ट और इमेज होता है, जब उसके लेंथ में या तो हाइट में कुछ चेंज आ जाए उसे कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन. एरियल मैग्निफिकेशन मीन्स इफ देयर इज अ चेंज इन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, है ना. ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन मीन्स रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ इमेज बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस रेशियो ओनली इज द मैग्निफिकेशन. ओके, सो लीनियर में हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इल्स लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. एरियल में एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ इमेज बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज व्हाट योर मैग्निफिकेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट और लेट्स सी इन डिटेल ईच वन. दैट इज फर्स्ट वन इज लीनियर मैग्निफिकेशन एंड इट्स टाइप्स. ठीक है, तो पहला वाला हम देखेंगे दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर, अब इस लीनियर में आपको है दो टाइप्स. कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है लीनियर में. कौन से दो टाइप्स है? देखो, ओके, इन अ लीनियर मैग्निफिकेशन यू आर हैविंग टू टाइप्स. सो दैट टू टाइप्स आर, ये थोड़ा सा छोटा हो गया ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे.
ओके राइट चलो आप देखेंगे पहला वाला लीनियर में फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स एंड दूसरा जो है वो है लॉन्गिट्यूडिनल ये कौन सा है लॉन्गिट्यूडिनल नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन और इन दिस वी कैन से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अब एक डायग्राम देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा जैसे कि समझो यहां पे आई एम हैविंग one optical element particularly let's take mirror only so I'm just writing either concave or convex just for example you just keep it here this is optical element okay and let us suppose I have placed one object now like this here can you see this object yes And now this object is how perpendicular to the principal axis. Yes or no? This is what? Principal axis. This line, can you see? This one is what? Principal axis. Now suppose we got image like this. Something like this. This is magnified image, hai na? So in this, what we will do? We will... How we will find out magnification? This is what height of image, hai na? This is what height of image. And this is what height of object. So in this transverse magnification, you are having formula M is equal to minus V by U, which is equal to HI by H naught. Understand? So aapko agar ye मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देन विच फॉर्मूला यू विल यूज माइनस वी बाई यू एच आई बाई एच नॉट और माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट अंडरस्टूड जैसे कि आपको मालूम है कौन सा यू है इसमें दिस इज यू है ना दिस इज वॉट यू एंड दिस इज वॉट वी आपको पता है ना यस दिस इज यू एंड दिस इज वी अंडरस्टूड Is that clear? This is what transverse magnification. Koi doubt? Koi sandeha hai? Right. Good. Next one is longitudinal. Isme thoda sa jadu hai. Aap dekho ek baar ye longitudinal mein kya jadu hai. Ab ye longitudinal mein hum kya karte hai? Jaise ki apna mobile hai. Aap mobile aise horizontal rakho, ek baar vertical rakho. Ek experiment karke dekho aap. अगर आपको मैं बोलूं कि एक एक्सपेरिमेंट करो आप एक प्लेन मिरर ले लो टेक वन प्लेन मिरर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम देता हूं देखो ये जो मिरर दिख रहा है आपको इस साइड देखो आप एक्सपेरिमेंट करके जस्ट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग करो और समझो एक लाइन है क्योंकि क्यों मैं प्लेन मिरर दे रहा हूं क्योंकि आपके पास कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स मिरर नहीं होगा है ना तो कॉनकेव मिरर है तो अच्छा रहेगा इमेज फॉर्मेशन के लिए इन्वर्टेड इमेज नहीं आएगा है ना तो छोड़ो वो जो भी है आप एक काम करो ये प्लेन मिरर ले लो और ये अज्यूम करो कि एक प्रिंसिपल एक्सिस है और एक बार जो अपना मोबाइल है आईफोन है जो भी है जो भी है जो भी आपके पास ये ऐसे एक बार रखो ये आपका मोबाइल का टावर समझो हाँ थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो ओके एक ऐसे बार एक बार रखो और दूसरी केस में आप यही मोबाइल ऐसे रखो ये इसका टावर है दिस इज जस्ट ऐसा कुछ नहीं है किसी मोबाइल को ऐसा टावर नहीं है लेकिन जो आपको समझ में आने के लिए मैंने वैसे बनाया है ठीक है
तो ये एक ऐसे मोबाइल एक बार ऐसे रखो, ये मिरर है ठीक है, और अजूम करो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप देखो कि इमेज में क्या परिवर्तन होता है, इमेज आपको कैसे मिल रहा है, ओके, उसका लेंथ कैसे मैग्निफाइड हो रहा है, उसका वी एंड यू कैसे चेंज हो रहा है, आप बस खाली देखो एक बार, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये अगर पोजीशन मैं देखूं, ये सेकंड वाली पोजीशन, ये पोजीशन है कौन सी, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब देखो आप, ये जो ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, और ये जो है ये मेरी पोजीशन है लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल राइट। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन है वो कैसे है, अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, अंडरस्टूड। तो इसमें आपको यहाँ पे इमेज में क्या चेंज होता है, आप मुझे फोटो भी सेंड कर सकते हो, ओके, यू कैन सेंड मी द फोटो ऑल्सो, यू कैन कीप एनीथिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड सेंड द फोटो, ओके, अंडरस्टैंड। परिवर्तन मीन्स चेंज, ओके, गॉट इट। हाँ तो आप देखो एक बार, ये ऑब्जर्व करो, ठीक है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, चलो, समझ में आया सबको, आई होप यू अंडरस्टूड। आप ये एक्सपेरिमेंट करके मुझे फोटो भेजो, नहीं तो अपने ग्रुप पे भेजो, सब लोग देखते हैं। खाली प्लेन मिरर और मोबाइल तो आपके हाथ में रहता है, मिरर भी रहता है ना, आप ये करके देखो और मुझे भेजो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे फॉर्म होता है, राइट, मतलब इमेज उसका, हाँ है ना, ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होगा किधर भी। चलो अब ये हो गया अपना ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, सही है ना, ऑब्जेक्ट लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, जिंदा आदमी मरा हुआ आदमी क्या फर्क है बोलो, क्या फर्क है जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी में, ये देखो, दिस इज डेड, दिस इज लाइव, है कि नहीं, इसको ट्रांसवर्स बोलो, इसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलो, जस्ट पोजिशन सही है। आहा, क्या बात है अमोघ, वाह वाह वाह, यस, जिंदा आदमी स्टैंड, मरा आदमी स्लिप्स, गुड राइट। तो अब देखो ये आपको बस याद रखना है कैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल पोजिशन और ट्रांसवर्स पोजिशन कैसे होती है ऑब्जेक्ट की। हाँ हम इमेज में जैसे कि आप आगे आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो ये लाइव और डेड आदमी हम यूज करेंगे, ओके, याद रखो। चलो अब देखो, ऑब्जेक्ट लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका मैं इमेज कैसे बनाता हूं आप देखो एक बार, और इसमें आपको कैसे करना है इसके लिए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा। आपको ये लॉन्गिट्यूडिनल का जो है ना वो उसके नीचे ही रखना है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल ठीक है, चलो ये मैं लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये जिंदा आदमी और मरा हुआ आदमी हम ले लेंगे, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मुझे चाहिए एक ऑप्टिकल इलेमेंट, तो ये लेता हूं मैं ऑप्टिकल इलेमेंट फॉर द टाइम बीइंग, ऑप्टिकल इलेमेंट, ऑब्वियसली ये कोई मिरर ही है, मिरर ही ले लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं ऐसे ले रहा हूं। अब ये कि ये जो सुका बोम्बिल है, सुका बोम्बिल बोले तो वेरी थिन इमेजिनरी पर्सन, ओके, हाँ ऐसे जिसको खाली हड्डी फसली ऐसे वाला एक ऑब्जेक्ट है, ये आदमी नहीं है, कॉकरोच भी नहीं है, ठीक है, हाँ। तो चलो आप देखेंगे क्या होता है इसमें, राइट, ये देखो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, और अभी अगर इसका इमेज समझो कैसे मिला है मुझे, कैसे लेंगे इसको, इन्वर्टेड लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, कैसे भी तो एक इमेज आ रहा है समझो, तो लेट्स टेक इमेज समथिंग लाइक दिस, कैसे लेंगे, वैसे लेंगे या ऐसे लेंगे,
हाँ इसका इमेज हम ऐसे लेंगे, समझो ऐसे कुछ इमेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ इमेज आ रहा है समझो, राइट। थोड़ा सा इमेज के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। हाँ देखो, क्लियर। अब अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल, मैंने पहले ही बोला है लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऑब्जेक्ट लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसका अगर मैग्निफिकेशन चाहिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज बाय ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाय यू टू माइनस यू वन। ये क्या है, वी टू कहां से कहां तक है, यू टू कहां से कहां तक है। ये देखो, ये वाला पहला डिस्टेंस है, उसके बाद अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो ये दूसरा डिस्टेंस है ना। वैसे ही अगर आप देखोगे, यस सो सी, अब यहाँ पे देखो ये वाला यू कौन सा है और वी कौन सा है, ठीक है। अगर हम देखेंगे, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, ये पोल है समझो, समझ में आ रहा है सबको। ये क्या होगा यू वन, ये क्या होगा यू टू। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है वी वन, और ये जो दिख रहा है आपको उसका लेग, ये है आपका क्या है बोलो, क्या है वो, हाँ ये हो जाएगा P2 और P1। जो छोटा वाला है वो है P1, जो बड़ा वाला है वो है P2, अंडरस्टैंड। यस हाँ यस राइट। अब अगर हमें ये तो आपको समझ में आ गया, यस राइट। ये मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करना है, क्लियर हो गया। यस इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, समझो अभी ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत छोटा है, जैसे कि एक कीड़ा ऐसे है, बहुत छोटा ऐसे, बहुत छोटा है ऐसे, ये जैसे कि क्या बोलते रहे, चीमा बोलते कह रहे उसको, चीमा बोले तो क्या है, एंट, एंट बहुत छोटा रहता है ना, वैसे वाला ऑब्जेक्ट। यस चीमा, चीमा टाइप, हाँ चींटी, चींटी वाली चींटी, हाँ। तो वैसे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके टाइम में आपको कैसे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। सपोज दे आर आस्किंग यू 1 मिलीमीटर ऑब्जेक्ट इज देयर, हाँ वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, देन हाउ टू फाइंड वन एंट इज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर, वन एंट इज गोइंग और वन एंट इज एट पॉइंट दिस दिस और एट दिस सेंटीमीटर और समथिंग लाइक दैट, देन हाउ टू फाइंड मैग्निफिकेशन इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। स्मॉल इफ इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल देन क्या करेंगे, ये जो मैग्निफिकेशन है ये वी टू माइनस वी वन मतलब क्या है, चेंज इन इमेज डिस्टेंस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी वी, एंड नीचे वाला जो है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी यू। यस, और इसी को अगर मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा, देखो इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाई इमेज डिस्टेंस होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है या लॉन्गिट्यूडनल में वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर करना है। अगर आपको लेंथ ऑफ इमेज है तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है नेक्स्ट में, जैसे कि ये मैग्निफिकेशन है ना, ये कौन सा मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन,
तो ये जो मैग्निफिकेशन है यमयल, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, यमयल यमयल मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ये क्या होगा? लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमें ऑलरेडी आपको यहाँ पे यमयल मिल गया है, यमयल दिस इज ऑल्सो यमयल ओनली, और इवन यम ऑल्सो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिनोट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यम यल इज इक्वल टू यल आई बाय यल नॉट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। एंड देयर फोर अगर मुझे कोई लेंथ ऑफ इमेज पूछता है तो मैं क्या करूंगा, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेयर यल इज, यल आई इज वॉट, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज। कोई पूछने दो उस आदमी का जो इमेज है वो कितना है, तो वो मैं ये फॉर्मूला यूज करके करूंगा, यल नॉट क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? ओके। यस, नोट डाउन। नेक्स्ट वन, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल फिनिश्ड, एंड नाउ नेक्स्ट इज एरियल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट? एरियल मैग्निफिकेशन। दिस वन फिनिश्ड? नो, लॉन्गिट्यूडिनल फिनिश्ड, राइट। नेक्स्ट इज एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन मीन्स इफ देयर इज चेंज इन एरिया, इफ देयर इज चेंज इन एरिया ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आप देखो यहाँ पे, समझो मैं कोई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे कुछ 2D ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, जैसे कि ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 2D ऑब्जेक्ट रखा है और ये एक ऑप्टिकल एलिमेंट, एंड देन यू आर गेटिंग इट्स इमेज समथिंग लाइक दिस, विच इज लिटिल बिट बिगर इन साइज, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ऐसे। अब ये जो है, अज्यूम करेंगे कि ये बी है, ब्रेड, या तो हाइट बोल सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेड बोल सकते हो, ये ए। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी अगर ये आपका हाइट है समझो, तो यम टाइम्स ये बी बन गया और ये वाला भी यम टाइम्स ए बन जाएगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। अब ये क्या है, 2D ऑब्जेक्ट। एरियल मैग्निफिकेशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2D ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अब मुझे एरियल एक्सपांशन, एरियल मैग्निफिकेशन चाहिए यम ए, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज क्या है, यम बी इंटू यम ए, है ना, डिवाइडेड बाय ये बी इंटू ए। अब ये यम इंटू यम बोले तो यम स्क्वायर इंटू दिस बी ए डिवाइडेड बाय दिस बी ए, एंड दिस बी ए विल गेट कैंसल, सो व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट नाउ, यम ए इज इक्वल टू यम स्क्वायर। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है ना। तो अगर एरियल मैग्निफिकेशन चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए आई बाई ए नॉट
विच इज इक्वल टू यम स्क्वायर, ठीक है। तीसरा जो है खाली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ज्यादा नहीं पूछता है, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। तो वॉल्यूम मैग्निफिकेशन में एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन तो दिस इज एम वी इज इक्वल टू वी आई बाय वी नॉट, मीन्स लाइक दिस ओनली। इफ यू हैव प्लेस्ड अ क्यूब एंड यू आर गेटिंग दैट क्यूब इमेज मैग्निफाइड, देन एम वी इज इक्वल टू वी आई बाय वी नॉट एंड दिस एम वी इज इक्वल टू एम पावर फोर, एम पावर फोर मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन पावर फोर। So that is equal to Vi by V naught is equal to m power 4. If you want volume of image, then m power 4 into volume of object. So this formula you can keep it in a mind for volume magnification. ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, हो गया। Yes, next one. Now note point, or you can say task. Sir, once can you rewind the page? Yes. Answer. अब देखो prove that जहां जहां पे आपको यू पिछली बार हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे उसमें भी हमने यूज किया है, प्रूव दैट नंबर वन यू इज इक्वल टू यम माइनस वन बाय यम इनटू एफ, सेकंड वन फी इज इक्वल टू माइनस यम माइनस वन इनटू एफ, एंड थर्ड वन एफ इज इक्वल टू यम बाय यम माइनस वन into F. ये हमें प्रूव करना है M by M minus 1 into U. तो पहला मैं करके देता हूं, आपको बाकी के दो करना है। तो देखो फर्स्ट वन आई एम गिविंग यू, यू कैन डू इट लेटर नेक्स्ट वन यूर सेल्फ। वी नो U is equal to M minus 1 by M into F. तो हमें पता है 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. And M is equal to what ray? Minus V by U. अब आपको U और F में चाहिए, तो V को replace करता हूँ. Therefore, minus V is equal to mu. And therefore, V is equal to minus MU. ये अब हम replace करेंगे यहाँ पे. 1 by F is equal to 1 by minus MU plus 1 by U. अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, 1 by U कॉमन ले लो, 1 by minus M plus 1 और which is equal to F. अब ये F इधर, U इधर. U is equal to F into 1 by minus M plus 1. समझ में आ रहा है? अब इसके बाद F into ये 1, इसका कोई नहीं होता, भगवान होता है ना, 1. 1 minus m divided by minus m into 1 means minus m and this is u. अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, u is equal to f, इस denominator numerator से minus common लेके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m minus 1, क्योंकि अगर मैं minus से multiply करूँ तो मुझे same आ जाएगा, देखो है ना। और नीचे जो है फिर से यहाँ पे minus common लेके खाली m लिखता हूँ, ठीक है, right? अब ये जो माइनस माइनस साइन कॉमन लिया है इसको कैंसिल कर दो, एंड देन यू आर गेटिंग यू इज इक्वल टू एम माइनस वन इनटू एफ डिवाइडेड बाय एम, एंड हेंस प्रूव्ड, है कि नहीं। इसी इक्वेशन की तरह अब आप सेकंड में क्या करो, सेकंड में खाली आप वी रिप्लेस करो, है ना, और U replace करो और V का F का find out करो। और third equation तो क्या है, देखो third equation तो इसका ही reverse है। third देखो, ये F इधर डालो, U इधर डालो, देखो
एम यू इज इक्वल टू एम माइनस वन इन टू एफ, है ना, तो ये एम माइनस वन इधर डालो, एम यू बाई एम माइनस वन इज इक्वल टू एफ, आ गया ना, ये इक्वेशन इधर आएगा, आप कर लो सर। यस और नो सर? यस। इन द प्रीवियस पेज, यस, वंस कैन यू टर्न टू प्रीवियस पेज, यस, एम ए एरियल मैग्निफिकेशन, यस, एम स्क्वायर मींस इज इट द मैग्निफिकेशन और द लाइक एम बी इन द डायग्राम, एम बी मींस ये b है, अब ये हाइट होगा ना, m टाइम्स इसका हाइट आ जाएगा ना, m here means a constant value or magnification, m times some b constant. Magnification only, m times b means what, magnification only, no, m is equal to b by okay. d whatever it is, m times it will raise, okay sir, linearly m times, जैसे कि 1 time 2 time वैसे जो भी है, 1.5 जो भी आए, 0.5 आए, 0.75 जो भी है, ठीक है, यस सर। और ये अब ये जो तीनों है ना, एक बार करो, ये तीनों प्रूव करो आप, ठीक है, क्योंकि ये एंड हो रहा है सेशन, ये खत्म करो, ये तीनों आप प्रूव करो, ठीक है, थैंक यू।